गुलमुरी के टूला डुंगरी मथुरा बगान पार्क का मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। इधर पूर्व भाजपा जिला अध्यक्ष दिनेश कुमार पहले स्थानीय विधायक पर योजना को लटकाकर जनता को नुकसान पहुंचाने का आरोप लगा चुके हैं, तो वहीं जमशेदपुर अक्षेत्र पर भी अक्रमणीयता का गंभीर आरोप है। इधर दिनेश कुमार के आह्वान पर युवा दिवस के मौके पर स्थानीय बस्ती वासी के लोग और भाजपा गुलमुरी मंडल के अध्यक्ष अजय कुमार सिंह के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने पार्क में श्रमदान कर सफाई अभियान चलाया। यह अभियान विधायक सरयू राय और जमशेदपुर अधिसूचित क्षेत्र समिति की अकर्मण्यताओं के विरुद्ध प्रतीकात्मक विरोध के रूप में आयोजित था। लोगों ने हाथों में सरयू राय और जेएनएसी के विरोध वाली तख्तियां हाथों में थाम कर पार्क परिसर में झाड़ू लगाया और स्वच्छता अभियान चलाया। मौके पर मीडिया को संबोधित करते हुए दिनेश कुमार ने बताया कि स्थानीय विधायक की मंशा महज वाहवाही बटोरने की होती है, काम करने के मामले में फिसड्डी रहते हैं। उनकी कार्य संस्कृति लटकाने अटकाने और भटकाने की रहती है। पूर्व भाजपा जिला अध्यक्ष दिनेश कुमार ने लगे हाथों सरयू राय को नसीहत भी दी कि बेहतर होगा कि जनता और जनहित के कार्यों में अवरोध न उत्पन्न करें और जीर्ण शीर्ण अवस्था में पड़ी इस पार्क के जीर्णोद्धार के लिए वांछित पहल करें, न कि राजनीति। दिनेश कुमार ने सफाई अभियान में सहयोग करने वाले स्थानीय बस्ती के लोग और गोलमुरी मंडल के भाजपाइयों के प्रति आभार जताया। मथुरा बगान का यह पार्क 2019 के अंत में बनकर तैयार हुआ था। 2020 में बस्तीवासी इसके उद्घाटन की राह देख रहे थे। इसी बीच इस क्षेत्र में विधायक के रूप में सरयू राय जी चुनाव जीत कर आए। 2020 से लेकर 2022 तक 2 वर्ष बीत जाने के बाद भी न इस पार्क का उद्घाटन हुआ, न बस्तीवासियों का समर्पित हुआ। और यह पार्क में ना बिजली की व्यवस्था है, ना लाइट जल रही है, किसी प्रकार की व्यवस्था नहीं है, जिसके चलते अव्यवस्था का आलम बना हुआ। असामाजिक तत्वों के लोग प्रतिदिन यहाँ पर बैठ करके दारू पीना, गांजा पीना, जमवाड़ा लगाना, महिलाओं को छेड़खानी करना, इससे बस्तीवासी काफ़ी त्रस्त और परेशान हो चुके हैं। 2.5 महीना पहले छठ के समय पर विधायक सरयू राय सुबह 7:05 यहाँ भ्रमण करने के लिए आते हैं और यहाँ से जाने के बाद GNSC को चिट्ठी लिखते हैं। भारतीय जनता पार्टी का एक मंडल अध्यक्ष GNSC के विशेष पदाधिकारी से बात करके काम करवा सकता है, इस क्षेत्र का विधायक चिट्ठी लिखता है और चिट्ठी लिखने के बाद भी 2.5 महीना में कोई प्रक्रिया प्रारंभ नहीं होती है। भारतीय जनता पार्टी गोलमुरी मंडल ने यह बीड़ा उठाया है कि इसका पार्क को पूर्ण रूप से जीर्णोद्धार कराना है, इसका उद्घाटन कराना है, और आज बस्ती वासियों ने इस पार्क का नामकरण भी किया। आज देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण दिन है। स्वामी विवेकानंद जी के जयंती के पावन अवसर पर भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता एवं बस्ती वासियों ने स्वच्छता अभियान चलाया, पूरे पार्क को साफ सफाई किया और साथ साथ इस पार्क में एक सांकेतिक विरोध भी किया कि जो नशेड़ी हैं, जो असामाजिक तत्व हैं, जो इस क्षेत्र के विधायक हैं, जो इस काम को लटका के रखे हुए हैं, उन लोगों का उनका विरोध भी किया और इस पार्क का नाम बस्ती वासियों ने स्वामी विवेकानंद पार्क रखा है। जो आम जनमानस के लिए यह पार्क आने वाले दिनों पर GNSC के माध्यम से जीर्णोद्धार होगा और आम जनता को समर्पित होगा। यहाँ के लोग ही इसकी देखभाल करेंगे और स्वामी विवेकानंद पार्क आसपास के क्षेत्र के लाभान्वित होगा।